हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नी जॉइंट क्रेपिटस की, यानी जो घुटने में से कट कट की आवाज़ आती है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो व्यूअर्स, जो नी जॉइंट क्रेपिटस है यानी कि जो घुटने में से आवाज़ आती है उसको लेकर कई लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं और डर भी जाते हैं इसको लेकर। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नी जॉइंट क्रेपिटस होता क्या है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, क्या इससे आपको घबराने की ज़रूरत है, क्या घुटने में से जो आपके कटकट की आवाज़ आ रही है उससे आगे जाके आपके घुटने घिस सकते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है क्या आपको। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो व्यूअर्स, जॉइंट क्रेपिटस का मतलब होता है जोड़ों में से कटकट की आवाज़ आना, जिसे हम क्रैकिंग एंड पॉपिंग साउंड्स भी कहते हैं। सो व्यूअर्स, यदि आप कोई एक्टिविटी करते हैं या घुटने की मूवमेंट करते हैं और तब यदि आपके घुटने में से कटकट की आवाज़ आती है लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो साउंड है वो एकदम नॉर्मल है और इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल क्रेपिटस। अब हम जानते हैं कि फिजियोलॉजिकल क्रेपिटस के पीछे कारण क्या होता है। ये जो घुटने में से आपके कटकट की आवाज़ आ रही है लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या कारण होते हैं वो हम पहले जान लेते हैं। सो व्यूअर, जब भी हम अपने घुटने की या किसी भी जॉइंट की मूवमेंट करते हैं तो जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं यानी कि जो हड्डियां हमारे जोड़ को बनाती हैं, वो जब हम मूवमेंट करते हैं तो वो अपनी जगह से हिलती हैं, जिसके कारण वैक्यूम क्रिएट होता है। तो जो एयर के बबल्स होते हैं हमारे घुटने में वो फूट जाते हैं साइनुअल फ्लूइड के अंदर ही, जिसके कारण ये पॉप साउंड जो है वो हमें सुनाई देता है। इसके अलावा जो हमारे टेंडन होते हैं वो जब हड्डी के उभरे हुए भाग, जिसे हम बोनी प्रोट्यूबरेंस कहते हैं, उससे घिसते हैं, तब भी जो कटकट की आवाज़ है वो आ सकती है। उदाहरण के तौर पर हमारा जो बाइसेप्स फ्यूमरस का टेंडन है वो जब हमारे लेटरल नी यानी कि घुटने के बाहर वाले हिस्से से घिसता है तब कटकट की आवाज़ आ सकती है। तीसरा कारण हो सकता है स्टिक स्लिप फिनोमिना। इसमें हमारी जो दो हड्डियां हैं वो आपस में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन करती हैं, जिसके कारण स्टिक स्लिप फिनोमिना देखने को मिलता है। इसके अलावा पटेला यानी कि नी कैप की जब फीमर पर जर्की मूवमेंट होती है तब भी आपको कटकट की आवाज़ सुनाई दे सकती है। कई बार घुटने में से बारीक आवाज़ आती है, ऐसा तब होता है जब हमारे जो घुटने का नॉर्मल फ्लूइड है वो पटेला बोन यानी नी कैप के पोस्टीरियर यानी कि पिछले घिसे हुए हिस्से के नीचे से जब वो जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है तब आपको ये बारीक आवाज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा हमारी जो मिनिस्कस होती है यानी कि जो घुटने में गद्दी होती है जो शॉक को एब्जॉर्ब करती है, जब वो हाइपर मोबाइल यानी कि उसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, उसके कारण भी आपको जो कटकट की आवाज़ है वो आ सकती है। तो इन सारे कारणों से आपको फिजियोलॉजिकल क्रेपिटस यानी कि कटकट की आवाज़ आ सकती है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का आपको दर्द नहीं होता, इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यदि आपके घुटने में से कटकट की आवाज़ आती है और साथ ही साथ में आपको घुटने में दर्द भी होता है तो इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल क्रेपिटस, और यहाँ पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि किन कारणों से ये जो पेन है वो आपको हो रहा है और साथ में आवाज़ आ रही है। तो पैथोलॉजिकल जो क्रेपिटस है उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ACL लिगामेंट के टेयर जब होता है तो पॉप की जो है वो आवाज़ आती है। इसके अलावा जो हमारी मिनिस्कस है जब उसमें टेयर होता है और जब हम घुटने की मूवमेंट करते हैं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर या रेंज पर क्लिक साउंड हमें सुनाई देता है। तो जो पैथोलॉजिकल क्रेपिटस है वो एक इंसिडेंस या इंजरी से जुड़ा हो सकता है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल क्रेपिटस आर्थराइटिस के कारण हो सकता है, घुटने में इंस्टेबिलिटी के कारण हो सकता है, पटेलो फीमोरल पेन सिंड्रोम के कारण हो सकता है। तो इन सारे कारणों से पैथोलॉजिकल क्रेपिटस आपको हो सकता है। इस केस में आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, इससे क्या होगा आपका जो पैथोलॉजिकल क्रेपिटस का मेन कारण है वो पकड़ में आएगा, सही डायग्नोसिस होगा, और जब सही डायग्नोसिस से हम जो अंडरलाइंग कंडीशन है यानी कि जिस कारण से दर्द हो रहा है उसको हम ठीक करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में दर्द के साथ साथ आपकी जो कटकट की आवाज़ आ रही है वो भी ठीक हो जाती है। सो व्यूअर्स, तब तक आप समझ गए होंगे कि यदि आपको फिजियोलॉजिकल क्रेपिटस है यानी कि सिर्फ कटकट की आवाज़ आ रही है लेकिन कोई दर्द नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन यदि कटकट की आवाज़ आ रही है और साथ में दर्द भी बना हुआ है तो तुरंत आप अपने डॉक्टर को दिखाएं,
इसका डायग्नोसिस कराएं और सही इलाज लें। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।